हरियाणा के यमुनानगर के रादौर में देर रात से रुक रुक कर हो रही भारी बरसात लोगों के लिए आफत बनकर आई। बरसात से रादौर के छोटा बांस में चार परिवारों के मकान ढह गए। गनीमत रही कि इस दौरान परिवार के लोग घरों से सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन मकान ढह जाने से अंधा रखा सामान खराब हो गया। वहीं बरसात के कारण एसके मार्ग पर भी पानी जमा हो गया, जिस कारण एक स्कूल बस सड़क पर बने गड्ढे में फंसने के बाद पलटने से बच गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये बस खड्डे में फंसी, उस वक्त बच्चे भी इस बस में सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बरसात के कारण नगर पालिका के साथ वाली गली में बरसात का पानी एक घर में घुस गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पानी आज सुबह उनके घर में पहुंच गया, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्हें काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निकासी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण बरसात के दौरान शहर का सारा पानी उनके घर में घुस जा रहा है। ऐसे में उन्हें बरसाती पानी की निकासी की उचित व्यवस्था किए जाने की सही प्रभावित मकान मालिकों ने मुआवजे की मांग की है। नगर पालिका के पास है ना हमारा घर, तो वहाँ 1% भी पानी की कोई निकासी नहीं है। हमने मतलब काफ़ी टाइम हो गया हमें मतलब ये गुहार लगाते हुए नगर पालिका को कि भाई जो है हमारे वहाँ पानी की निकासी कर दीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ हर बार बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, और अगर जो बरसात ना भी हो ना उस दौरान भी इतना गंद है, वीडियो में देख ही सकते हैं, दिन की रात की सारी वीडियो मैंने ट्वीट भी किया हुआ है पहले भी। ये तो कई साल हो गए सर, समस्या है, कई साल से समस्या है। नगर पालिका के पास लिखित में है, MLA के पास भी लिखित में है, और दूसरा जो है अभी मैं SDM के पास से आया हूँ। SDM तो थे नहीं वहाँ पर, SDM के पास से आया हूँ अभी, उससे पहले MLA के पास भी मैंने जो है लिखित रूप में दिया है, SDM को भी लिखित रूप में दिया, कोई समाधान नहीं है बिल्कुल भी। कोई मेरा तो मेन ही है कि कम से कम पानी की निकासी हो। मेरे घर में आज अंदर पानी जा चुका है, मेरे घर के अंदर पानी है आज। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।